शुरू। वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। गाय ने ले लिया है अभी रिक्शे वाले से अपने ही बछड़े का बदला। क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। माँ की तुलना हम किसी भी चीज के साथ नहीं कर सकते। माँ का प्यार हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। माँ चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, ममता तो ममता होती है। और अगर उसके बच्चे को कोई भी कुछ करता है तब अगर इंसान भी अगर माँ हो तो उस दौरान ही वो अगर अपने बच्चे को किसी दूसरे से डांटते हुए देख भी ले तो उससे कभी भी मुड़ के बात करना पसंद नहीं करती है। वो खटास मन में चली जाती है। और यहाँ पर तो ये चीज सामने निकल के आई है कि एक गौ माता ने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया है कि आप भी इस मामले से हैरान रह जाएंगे। एक्चुअली में एक गौ माता का ये मामला हमारे सामने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम एक शहर से आ रहा है, जहां पर एक ऑटो ड्राइवर ने एक बछड़े को वहां पर मृत्यु पाया रस्ते में, जहां पर एक गाय भी उसके पास बैठी थी। उसकी दुर्घटना में मौत हो चुकी थी और गाय भी काफी ज्यादा बेबस थी और रो रही थी, और उस बछड़े को वहां से उठाया नहीं गया था। तो एक ऑटो ड्राइवर ने सोचा कि वो उस बछड़े को उठा ले जाएगा और उस बछड़े को वहां से उठाया और जाके उसने दफना दिया। पर वहां पर उस बछड़े की मां मौजूद थी जो कि एक गौ माता थी, और उसने उसकी शक्ल एकदम याद रख ली। और जब फिर दोबारा से उस ऑटो ड्राइवर को देखा कि वो ऑटो ड्राइवर उसी जगह पर आया हुआ है, तो उसने ना सोचा ना समझा उस गाय ने उस ऑटो ड्राइवर के ऊपर अपने सिंगों से हमला कर दिया। और हमला इतना ज्यादा जानलेवा था कि अगर वो अपने आप को नहीं बचाता, अगर वहां पर खड़े हुए लोग अगर गाय को भगाते नहीं, तो वो जो ऑटो ड्राइवर था वो अपनी जान हाथ धो बैठता। पर इस पूरे मामले में जब गाय उसको मार रही थी तब वो काफी ज्यादा घायल हुआ, जबकि उसको लोगों ने बचाया और नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाया। और एडमिट करवाने के बाद अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी काफी अच्छी हालत में है। पर उसका कहना यह है कि मैंने उसके सामने ही उसके बछड़े को उठाया था जिसकी दुर्घटना में मौत हो गई थी, क्योंकि उसको दफनाना था। पर वो गाय जो है वो अभी उसके बछड़े का मुझे दोषी मानती है कि मैंने ही उसको मारा है। अभी गाय को कौन समझाए कि मैंने उसको मारा नहीं है, वो ऑलरेडी ही मृत था, मैं उसके बछड़े को वापस लाके नहीं दे सकता हूँ। और मुझे आजकल उस जगह से जाने के लिए भी डर लगने लग गया है कि वो गाय कब कहाँ से आ जाए और कब मुझे मार दे। और मुझे तो हर किसी गाय से डर लगने लग गया है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सी गाय मुझे मार दे, क्योंकि अभी वो उस ऑटो ड्राइवर के मन में भी और उसके दिमाग में भी काफी डर बैठ गया है गाय को लेके। और गाइस यहाँ पर पता चलता है कि माँ की ममता, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, ममता तो ममता होती है, इसीलिए हम लोग माँ के प्यार को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। गौ माता लिखते हुए जरूर जाइए कमेंट बॉक्स में और साथ के साथ लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।